छोले भटूरे बनाएंगे। छोले बनाने के लिए काबुली चना लिए हैं, 250 ग्राम चना है। इसको 6 से 7 घंटा पहले पानी में डालकर रख दिए थे। चना हमारा अच्छे से फूल गया है। टमाटर लिए हैं, 3 टमाटर है, इसका हम पेस्ट बना लिए हैं। प्याज है, प्याज का भी हम पेस्ट बना लिए हैं। मिर्चा को लंबा काट लिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट लिए हैं। सबसे पहले हम चना को उबाल लेंगे। इसके लिए एक कुकर लेंगे, इसमें चना को डाल लेंगे। चना डूबने भर इसमें पानी डाल लेंगे। आधा चम्मच खाने वाला सोडा डाल लेंगे, इससे हमारा चना जल्दी उबल जाएगा। चाय पत्ती को उबाल कर रखे हैं, इससे कलर अच्छा आता है, इसको भी डाल लेंगे। इसको हम पहले ही छान लिए हैं। इसके जगह पर आप सूखा हुआ आंवला भी यूज कर सकते हैं, उसे और अच्छा टेस्ट आता है। चना हमारा अच्छे से डूब जा रहा है। अब इसका हम ढक्कन लगा के कुकर को अब हम गैस पर बैठा देते हैं। 2 सीटी लगने के बाद मीडियम फ्लेम कर देंगे और 3 से 4 सीटी लगने देंगे। इतना देर में हमारा चना अच्छे से उबल जाएगा। चना उबल रहा है, तब तक हम भटूरे के लिए आटा गूंथ लेते हैं। भटूरा बनाने के लिए मैदा लिए हैं, सूजी है, सूजी के 4 गुना मैदा लिए हैं, दही है, दही से हम डो लगाएंगे। आटा गूंथने के लिए एक हम प्लेट लेंगे, मैदा डाल लेंगे, सूजी डाल लेंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डाल लेंगे, 1/4 खाने वाला सोडा डाल लेंगे, 1 चम्मच तेल डाल देंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब दही डालकर थोड़ा थोड़ा डालकर एक डो के जैसा बना लेंगे। आटा हमारा अच्छे से गुथा गया है। इसको गूंथते हुए हमको 6 से 7 मिनट हो गया है। भटूरे के आटा अच्छा से गूंथने में 6 से 7 मिनट लग जाएगा, इससे ज्यादा भी लग सकता है। थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे। अब इसको ढककर 1 घंटा के लिए रख देंगे। चना हमारा उबल गया है, अब हम छोला बना लेते हैं। छोला बनाने के लिए एक पैन रखे हैं, पैन गर्म हो गया है, इसमें अब तेल डाल लेंगे। इसमें जीरा डाल लेंगे, प्याज डाल लेंगे जो कद्दूकस करके रखे थे। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, 3 से 4 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। प्याज को फ्राई करते हुए हमको 3 से 4 मिनट हो गया है, देख सकते हैं कि प्याज अच्छा से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम मसाला डाल लेते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल लेंगे, 1
चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल लेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल लेंगे। सबको अच्छे से चला लेंगे। मसाला को एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे। मसाला को फ्राई करते हुए एक मिनट हो गया है। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ टमाटर डाल लेंगे। टमाटर डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। टमाटर बहुत देर से पकता है। टेस्ट के अनुसार नमक डाल लेंगे। टमाटर डालकर इसको फ्राई करते हुए हमको 3 मिनट हो गया है और 1 मिनट लगेगा और हमारा अच्छा से फ्राई हो जाएगा। 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। मसाले से जब हम तेल निकलने लगता है तो मसाला अच्छा से फ्राई हो जाता है। एक मिनट हो गया है, मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम चना डाल देंगे जो उबाल कर रखे थे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे। मिर्चा काट कर रखे थे उसको हम डाल लेंगे ऊपर से। छोला बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। इसके बाद भटूरा बनाएंगे। बिल्कुल ही अच्छा से आटा हमारा सेट हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा ले करके गोल गोल बना लेंगे। बनाकर एक प्लेट में रख लेंगे सब। गोल गोल लोई बना लिए हैं। इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। तेल में ही बेलेंगे इसको, तेल लगाकर, आटा लगाकर नहीं बेलेंगे। इस पर भी तेल लगा देते हैं ताकि चिपके नहीं। इसको गोल भी बेल सकते हैं और लंबा भी बेल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से बेल सकते हैं। ऐसे ही सारे बेल लेंगे। अब इसको हम तल लेते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें हम भटूरा को अब डाल देते हैं।
अब इसको पलट लेंगे। देख सकते हैं कि भटूरा बिल्कुल ही हमारा अच्छे से फूल गया है। ऐसे ही हम सारे भटूरे को बना लेंगे। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। छोला भटूरा बनकर हमारा तैयार हो गया है। देख सकते हैं कि कितना टेस्टी बना हुआ है, कितना अच्छा से भटूरा फूल भी गया है हमारा। आप भी बनाइए और कमेंट्स में शेयर कीजिए कि कैसा बना। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।